फनी जोक। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। फनी जोक। बेटा, माँ मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। माँ, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरे बेटे का जहाज है? बेटा, गुजरते वक्त मैं अपने घर पर गोला फेंक दिया करूंगा। फनी जोक। पप्पू ने 25 रुपए लिए, बीवी के सर पर वार का सदका उतारा और उसे 75 रुपए डालकर 100 का कार लोड करवाया। बीवी, ये क्या किया? पप्पू, 75 रुपए का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 का सदका गवर्नमेंट को चला गया, हिसाब बराबर। फनी जोक। जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफ देता है, मेरी बीवी को हुआ था। उसकी तो हालत देखी नहीं जाती थी, फिर शॉपिंग मॉल से 2 जोड़े दिलवाए तो आराम आया। फनी जोक। सरदार, माल्टों का रेट क्या है? दुकानदार, 100 रुपए के 10। सरदार, कुछ तो कम कर यार। दुकानदार, अच्छा आपके लिए 80 रुपए के 8। सरदार, ए होई ना गल, चल फिर पा लिफाफे विच। नो। फनी जोक। बीमार था रूममेट दोस्त ने हाल तक ना पूछा। तंग आकर अस्पताल जाने के लिए उठा तो दोस्त परेशान सूरत बनाकर आया और पूछा, तो अस्पताल जा रहे हैं क्या? दोस्त को यूं फिक्रमंद देखा तो अपनी बदगुमानी पर शर्मिंदा सा होकर बोला, हाँ यार। उसने जल्दी से 140 रुपये दिए और कहा, आते हुए एक टिपी गोल्ड लीफ लेते आना। सीरियस वार्निंग। 31 दिसंबर को रात 11:59 बाथरूम मत चाहिए, वरना आप अगले साल वापस आओगे।